सावधान, खतरा, यह क्षेत्र हिंसक वन्यजीव क्षेत्र है, यहाँ पर अकेले खड़े ना हो, वन क्षेत्र में शौच के लिए ना जाए, कोई भी अप्रिय घटना घटने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, वनों में आग ना लगाए, यहाँ साइकिल में सेल्फी ना ले। ये भगवान क्या जुलूम है। तो गाइस हम लोग गविया सीरीज का नेक्स्ट वीडियो शूट करने जा रहे हैं वाइपर किचन की तरफ, और वहाँ पे जाके वाइपर विजन का पूरा वीडियो शूट करेंगे हम लोग, और ये कुछ गांव का नज़ारा है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जंगल सफारी कब से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी बताऊंगा कि चूका के आसपास कौन कौन सी जगह देखने लायक है, आपको कब आना चाहिए, कितने दिन के लिए आना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, टिकट कैसे बुक करें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे एक मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना नाव है ये। लोकेशन देख रहे हैं आप, तो दोस्तों हम वाइपर किचन से थोड़ा सा पीछे हैं, इसका नाम है कट पे, और ये लोकेशन फोटोग्राफी करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और इस तरफ एसएसबी कैंप वगैरह है, इधर एसएसबी कैंप है, और उसके थोड़ा सा आगे यहाँ से पानी नहर के माध्यम से किसी दूसरी जगह पे जा रहा है, ये नहर है इस तरफ, और बाकी आप नदी तो देख ही सकते हैं, दूर दूर तक पानी ही पानी। तो दोस्तों वाइपर किचन का ये पहला गेट है, और इसमें चार कपाट है, और इसके अलावा हम मेन जो वाइपर किचन है वहाँ पे भी पहुँचेंगे, और वहाँ जाके वहाँ का वीडियो शूट करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी शाम होने जा रही है तो थोड़ा सा टाइम है, तो उस टाइम के अंदर जितना भी हम वीडियो यूटिलाइज़ करके बना सकते हैं वो बनाएँगे। गविया से वाइपर किचन तक पहुंचने के लिए आप करीब 4 से 5 किलोमीटर बाइक चलाना पड़ेगा, पूरा का पूरा जंगल के बीच में से। ये जंगल टाइगर रिजर्व है, तो कोशिश करिएगा 4-व्हीलर में आने का, अगर आप शाम को आते हैं तो 4-व्हीलर से ही आए। हम लोग वाइपर किचन पहुंच गए हैं, और ये नज़ारा कुछ आप देख पा रहे हो, ये वाइपर किचन का है। बाकी अगर आप पीलीभीत कभी भी घूमने आते हैं तो चूका बीच ज़रूर घूमने आए, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है ये पीलीभीत का। तो दोस्तों यही है मेन वाइपर किचन, और ये यहाँ पे हमेशा कभी भी आप आएंगे तो आपको टूरिस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप आते हैं यहाँ का सोन पापड़ी काफ़ी फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे सोन पापड़ी खाने आते हैं, क्योंकि यहाँ का सोन पापड़ी सुना है बहुत टेस्टी बनता है, और पानी तो यहाँ का है ही। आवाज़ सुनो कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। जैसे सामने नदी है, नदी से चारों तरफ नहर कट कट के गई है, एक नहर इधर कट के गई है, एक नहर इधर कट के गई है, और ये हरदोई शाखा नहर में पड़ता है, ये वाला जो नहर है ये हरदोई की तरफ जाती है, और हर जैसे जिधर भी नहर जा रही है हर तरफ लिखा हुआ है बोर्ड में ये नहर किस तरफ जा रही है। और अभी हम जा रहे हैं सामने सोन पापड़ी का एक दुकान है, ये सोन पापड़ी जो फेमस सोन पापड़ी है वो दुकान है, अभी बंद है, यहाँ पे कोई है नहीं। तो गाइस एक सज्जन से हमें पता लगा है कि सोन पापड़ी का जो दुकान है ये दुकान अभी घर पे चल रहा है, सोन पापड़ी बनाया जा रहा है बट घर के अंदर, तो सीधा हम उनके घर पे जा रहे हैं सोन पापड़ी खरीदने। लग रहा है यहाँ पर जोर शोर से फोटो शूट चल रहा है, तो किच में रिपट हो। ये नज़ारे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे
बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे वाइपर किचन में जो सोन पापड़ी मिलता है, फेमस सोन पापड़ी, अभी हम वही चख रहे हैं। और ये मेरा जो टीम मेरे साथ आई थी वो सब लोग देखो सोन पापड़ी का भरपूर आनंद लेते हुए। अब सोन पापड़ी में बहुत टेस्ट नहीं रहा पहले जैसा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं टूरिस्टों के लिए जंगल कब खोल दिया जाता है, जंगल सफारी के लिए आप यहाँ पे कब आ सकते हैं। तो गाइस टूरिस्टों के लिए जंगल 1 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है, इस बीच आप कभी भी आ सकते हैं। अगर आप जंगल घूमने आते हैं तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने लायक है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे मेन यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है चूका बीच, उसके बाद वाइपर किचन होगा, उसके बाद सीफोन चैनल पॉइंट होगा, उसके बाद झांड ताल होगा, उसके बाद सनसेट और सनराइज पॉइंट होगा, उसके बाद लाल पुल होगा, उसके बाद पाइथन पॉइंट होगा, उसके बाद बारासिंगा ताल होगा, उसके बाद कोरकोडाइल पॉइंट होगा, उसके बाद वर्डिंग पॉइंट होगा, उसके बाद खर्जा चैनल पॉइंट होगा, उसके बाद सप्त सरोवर और लास्ट में भीमताल। तो गाइस अब बात कर लेते हैं जंगल सफारी बुकिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व .in पे जाना है, उसके बाद सफारी बुकिंग के आगे नो मोर लिखा हुआ है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा, आप फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए, आपके पास फ़ोन आ जाएगा। अगर आपको ट्री हट, बॉम्बू हट या फिर थारू हट बुक करना है तो भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो गाइस होप करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।